नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। वक्त आ चला है कुछ रोइंग के बारे में आपको बताने का। रोइंग एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स है जब ओलंपिक्स की बात आती है, लेकिन कुछ उसके बेसिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रोइंग से रिलेटेड, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर हम रोइंग की बात करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल एब्सोल्यूट बेसिक्स से। जैसे मैंने आपको बताया तो दो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज है जिसमें इवेंट कंडक्ट होगा रोइंग का ओलंपिक्स जब कंसर्न होती है। एक कैटेगरी होती है, मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली कंटेस्ट किया जाता है पहले तो ये 2000 मीटर कोर्स पे। एक कैटेगरी है स्कफलिंग और दूसरी है स्वीप, मतलब ये दो इवेंट्स हैं जिस पर ये मुकाबला बेसिकली बेस्ड होता है, खेला जाता है। स्कफलिंग का मतलब होता है जब आप यूज़ करते हैं दो ओर्स का पर पर्सन, जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं या तो सोलो भी कम्पीट कर सकते हैं रोइंग में, या उनके पास टीम होती है दो या चार लोगों की। स्वीप जो होता है उसमें टीम होती है दो की, चार की और आठ की, वो रेस बेसिकली कंपीट करते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के की अगेंस्ट कंपीट करते हैं यूजिंग वन ओर ईच, ओर का इस्तेमाल करके वो बेसिकली उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जब हम स्वीप इवेंट की बात करते हैं, मेडल कितने हैं मैं आपको बता देता हूँ। 14 गोल्ड मेडल हैं अप फॉर ग्रैब्स, जिसमें 8 स्कफलिंग इवेंट्स के लिए और 6 जो है वो स्वीप इवेंट्स के लिए हैं। अगर हम रियो की बात करें तो वहाँ पर ब्रिटेन ने मेडल टैली में टॉप किया था। एक्सपेक्ट हम क्या कर सकते हैं टोक्यो में, अगर मैं आपको बताऊँ, एक्सपेक्टेशन कुछ इस तरीके से है कि ड्रिसडेल जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, इसलिए बैटल जो होगा टॉप ऑफ द पोडियम में पहुंचने के लिए, स्पेसिफिकली हम अगर मैन सिंगल स्कल्स की बात करते हैं कंसर्न होती है, तो वो बहुत ज़रूरी है ये देखना कि वाटर क्वालिटी और कंडीशन किस तरह से लूमिंग होती है। बिकॉज ओलंपिक वेन्यू पर आपको पता है कि इस वक्त COVID-19 का भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, तो देखना होगा किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। नया क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इस साल का जो रोइंग प्रोग्राम है, जो ओलंपिक्स की कंसर्न के हिसाब से बात करें, ओलंपिक के रिलेवेंस के हिसाब से बात करें, इक्वल नंबर ऑफ इवेंट्स रखे गए हैं मेंस और वुमेंस के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा पहले नहीं हुआ था। अब ये भी समझना पड़ेगा कि इवेंट हो कब रहे हैं ओलंपिक्स में, तो मैं आपको बताता हूँ ये इवेंट स्टार्ट होंगे फ्राइडे को और रन करेंगे, रन थ्रू मतलब इसकी इनकी जो एक सीमा है जो फ्राइडे से शुरू होकर कब तक होंगे, वो जुलाई 30 तक होंगे। कहाँ पर हो रहे हैं ये भी आप समझ लिया है फ़ैन होने के नाते, अगर आप रोइंग के फ़ैन हैं तो ये होंगे सी फॉरेस्ट वाटरवे टोक्यो बे में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम क्यों रोइंग के लिए इतना अट्रैक्ट हों, बिकॉज बहुत सारे लोग इंटरेस्ट रखते हैं रोइंग के लिए, बहुत सारे लोग रोइंग जैसे स्पोर्ट्स में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते, स्पेसिफिकली अगर हम एशियन बेसिकली एशियन तरह एशियन लोगों की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो मैं आपको बताता हूँ रोवर्स जो होते हैं वाइडली कंसिडर्ड होते हैं अमॉन्ग ग्रेटेस्ट एथलीट्स, क्योंकि वो पाउंड टू पाउंड बेसिकली ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये स्पोर्ट्स जो है, जो रोइंग का स्पोर्ट्स है, वो डिमांड करता है लीन फ्रेम। अगर लीन फ्रेम की बड़ी ज़रूरत होती है, इसमें आपको इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पावर चाहिए होता है, क्योंकि शॉर्ट कॉम्पिटिशन होता है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ बॉडी पर काफ़ी टॉल लेता है, बट बेसिकली टॉल लेने का मतलब काफ़ी प्रेशर लेता है फिजिकली। अगर आप रोइंग करते हैं तो शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप फिजिकली आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करता है प्रेशर। और इस चीज़ को बेसिकली एक्सप्लेन किया ब्रिटिश के रोइंग परफॉर्मेंस डायरेक्टर ने, जिनका नाम है ब्रेंडन पर्सल, ये उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया। सो रोइंग एक स्पोर्ट है जो कि फेमस होता जा रहा है, इट्स जस्ट कि जो फैंस हैं उनको और तादाद में आकर के रोइंग जैसे स्पोर्ट्स को देखना चाहिए। तो ओलंपिक्स में रोइंग की शुरुआत होगी और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मुझे लगा मैं आपको बता दूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो बेसिक तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की वो आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।